नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो राजेंद्र भंडारी ने 2021 का आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या फिर कॉल करके हमारे कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। हमारे कोर्स का जो प्राइस है वो 1399 रुपये है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, BSF ने किस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन सर्वा हवा लॉन्च किया है? तो ये किया है राजस्थान राज्य के, पाकिस्तान और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। तो BSF ने लॉन्च किया। तो BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, 2021 में कितने पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे? 2021 में कितने पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे? तो 119 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पद्म पुरस्कार की अगर हम बात करें दोस्तों, पद्म पुरस्कार 3 प्रकार से हैं। आप कहेंगे कोई सब्जेक्ट है भाई तो 3 प्रकार से हैं। जी हाँ, पद्म पुरस्कार 3 प्रकार से हैं। कौन कौन? पद्म विभूषण और पद्म भूषण, पद्मश्री। इस बार पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया जाएगा, यानी 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा पद्म विभूषण से, और 10 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा पद्म भूषण से, और 102 लोगों को सम्मानित किया जाएगा पद्मश्री से। तो पद्मश्री से 102 पुरस्कार सम्मानित किए जाएंगे, मतलब 102 पुरस्कार दिए जाएंगे, और पद्म भूषण से 10 पुरस्कार, और पद्मश्री से 7 पुरस्कार, यानी 7 लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण 10 लोगों को, और 102 लोगों को पद्मश्री से। ठीक है, अब जब ये सम्मानित कर दिए जाएंगे, यानी जिन जिन लोगों को ये पुरस्कार प्राप्त हो जाएंगे उनका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार से यानी अवार्ड से लेकर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं अक्सर आपके एग्ज़ाम में। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, इस वर्ष जीवन रक्षा पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 40 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सड़क परिवहन मंत्रालय ने अनुसंधान और विकास के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT रुड़की संस्था के साथ सड़क परिवहन मंत्रालय ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, IIT रुड़की। और IIT रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सहयोग JSC की 19वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये ढाका शहर में आयोजित की गई है। ढाका शहर कहाँ पर है? ये बांग्लादेश की कैपिटल यानी बांग्लादेश की राजधानी है, तो बांग्लादेश में यह शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूमि आवंटन नीति 2021-30 किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो जम्मू कश्मीर द्वारा जारी की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो एक्सप्रेसवे पर हाईवे पट्टी वाला पहला देश का राज्य कौन है? देश का पहला राज्य कौन है जो दो एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस हवाई पट्टी की लंबाई कितनी है ये आप लोग जान लीजिए, 3300 मीटर है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, शायद एग्जाम में बन जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, किस संगठन ने एक ही रॉकेट से कई उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो SpaceX संगठन एक है जो अमेरिका का निजी अंतरिक्ष संगठन है। इसने नया रिकॉर्ड बनाया है एक ही रॉकेट में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का, और कितने उपग्रहों को किया है? तो ये 143 उपग्रहों को किया है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडिया 2021 द राइज ऑफ अ राजसी नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों गौतम चिकरमैन। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गौतम चिकरमैन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 100 डे इन हेवन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों उत्तराखंड ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में दोस्तों एक दिन के लिए अभी हाल ही में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई थी एक, तो वो किसे बनाया गया था मुख्यमंत्री आप लोग को कमेंट में बताना है। आप लोगों को याद होगा तो बताइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप सभी को, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आप सभी को कि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, IMF द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के GDP को कितने प्रतिशत पर अनुमानित किया गया है? तो -8%। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, -8%। IMF की बात करें दोस्तों तो IMF का फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और IMF का जो मुख्यालय ये कहाँ है? Washington DC में। इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं क्रिस्टीन लागर्ड। और ये जो छठवें अध्यक्ष, मतलब 66वें अध्यक्ष हैं IMF के। IMF का आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा या फिर मैं बता देता हूँ आपको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दो और इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों ये हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस याद रखिए IMF से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा किस फिल्म ने गोवा में 51वें IFFI में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है दोस्तों Terminator 3 फिल्म ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में किस राज्य ने सगुन योजना शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने सगुन योजना शुरू किया है? तो ये पंजाब राज्य ने शुरू किया है। और पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब राज्य की कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़ है। और पंजाब के प्रेजेंट टाइम में सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और मुख्यमंत्री नहीं दोस्तों, राज्यपाल हैं BP सिंह। और ये क्यों किया गया है सगुन योजना? तो जैसे गरीब लोग हैं उन लोगों को वित्तीय व्यवस्था, मतलब दोस्तों क्या है कि सगुन योजना इसलिए आरंभ किया गया है कि वहाँ पर जो शादियाँ होती हैं उनमें अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है फैमिली को तो उससे कुछ मदद की जाएगी सरकार द्वारा इस योजना के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो यह है 7वां रैंक दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, खुरलसुख उखना ने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये मंगोलिया देश के प्रधानमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश राज्य ने पहला पुरस्कार जीता है गणतंत्र दिवस के परेड में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चंडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया है। और अध्यक्ष कौन है दोस्तों? मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ योजना का शुभारंभ किया है? तो यह शुरुआत किया है राजस्थान ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान के सीएम कौन है दोस्तों इस समय? वो है अशोक गहलोत। और वहाँ के राज्यपाल हैं प्रेजेंट टाइम में कलराज मिश्र। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा किस बैंक ने यस जानकी रमन और AK तिवारी को MD के रूप में नियुक्त किया है? तो ये SBI बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय वो कहाँ है? मुंबई में है। इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? ये दिनेश कुमार खारा है अध्यक्ष या फिर चेयरमैन है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1955 को हुई थी 1 जुलाई 1955 को हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए
आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस लेकर के आया था मैं। कल से आप सभी को यानी कि 1 फरवरी से डेली बेसिस पे करंट अफेयर की वीडियोस आएंगी और वो भी बोथ लैंग्वेज में होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।